सबसे पहले जो है आपने कहाँ जाना है, आपने पहले गूगल लिखना है, और गूगल में लिखने के बाद आपके पास जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। विदाउट जीमेल अकाउंट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 9 बॉक्सेस को क्लिक करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, देन यू विल सी द गूगल क्लासरूम। आप ये देखेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको गूगल क्लासरूम को क्लिक करना है। आपके पास कुछ मेरी क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं इस एड्रेस पे जिसमें मैं एज स्टूडेंट के तौर पर ऐड हुआ। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, स्टेप नंबर 1 है, यू हैव टू सी दैट इज़ प्लस साइन। इसमें दो ऑप्शन होंगे, एक हमारे पास है ज्वाइन क्लास, अगर आप स्टूडेंट हैं देन यू हैव टू डू टू ज्वाइन अ क्लास, और इफ़ यू आर इंस्ट्रक्टर देन यू विल क्रिएट अ क्लास। तो अगर हम इसको ज्वाइन क्लास करते हैं हमारे पास, तो ज्वाइन क्लास करने के बाद आपके पास ये चीज़ आएगी। अच्छा, मैं आपको ईमेल एड्रेस पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं एक कोड। अच्छा, वो कोड होगा क्या, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जिसमें स्मॉल लेटर्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे और नंबर्स होंगे। सही, जैसे ही आप वो कोड को एंटर करेंगे यहाँ पर, आप क्लास के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता दूँ, विदाउट कोड जो है आप एंटर नहीं हो सकते, यू हैव टू सबमिट द कोड वगैरह। ओके, अच्छा मैं इस क्लास के अंदर मैं ऐड हूँ। जैसे ही मैंने इस क्लास के अंदर आया, तो यहाँ पे 3 मेन टैब्स हैं, एक स्ट्रीम का टैब है हमारे पास, एक क्लास वर्क का टैब है, एक पीपल का टैब है। ये 3 टैब्स हैं हमारे पास। अच्छा, आपको जो पोस्ट मिलेगी आपको टीचर्स के थ्रू, वो हर क्लास के अंदर आपको यहाँ मिलेगी। सही है, और आपके पास आप उसको देखेंगे असाइनमेंट क्या है, क्यों है, आपको ईमेल भी आ जाएगी जीमेल पर, और यहाँ पर भी देखेंगे आप। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सही, पैरेलली हम इसको व्हाट्सएप पे भी हम अपडेट कर देंगे कि भाई ये चीज़ें जो हैं ऐसी ऐसी हैं, अगर इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम द। उसके बाद टैब नंबर 2 क्लास वर्क है। इस क्लास वर्क के अंदर क्या है, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, टीचर्स जो हैं इसको मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे सारे के सारे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको लेक्चर्स जो हैं आपको दिए जाएंगे इस वजह से, ताकि आप उसको स्टडी करने के बाद असाइनमेंट को सॉल्व कर सकें, और उसकी ड्यूरेशन होगी 3 घंटे के अंदर आपको असाइनमेंट बनाना है, या 3 घंटे के अंदर आपको क्विजेस बनाना है, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू कि आपको ये पढ़ना है, करना ही करना है। उसके बाद आपके जो क्लास फाइल्स होंगे आपको यहाँ दिखाई दे होंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो यहाँ पे आइकन लगाएं, इसमें अपना नाम, अपनी फ़ोटो लगाएं आप, उससे आसानी हो जाती है कि आपको लोगों से मिलने में, देखने में आपको आसानी हो जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ही आपका इमेज हो, बगैर इमेज के आप जो है इसमें ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे ये दैट डजन लुक गुड। अच्छा, लेट से मुझे असाइनमेंट मिला है, मैं असाइनमेंट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैंने देखा इसको ओपन करके, असाइनमेंट में टीचर ने क्या दिया है, टीचर ने पूछा है डिफाइन कंप्यूटर और मुझे उसका जवाब देना है। मैंने इसको स्केप किया, स्केप करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा, प्राइवेट मैसेज मिला, दिखा जो टीचर को जाएगा, सर प्लीज़ गाइड मी दी आंसर डैक, यानी कि मुझे किस लेवल का आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टीचर जो रिप्लाई देगा प्राइवेट मैसेज में वो मुझे दिखाई दे रहा होगा। अब लेट से मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक आंसर दिया हुआ है, सही है, मैं यहाँ पे इसको अनसबमिट करता हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ दोबारा सबमिट करना चाहता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि ऐड और क्रिएट, मैं चाहता हूँ कि एक नया जो है आंसर बना के दूँ। तो अब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर मैंने गूगल ड्राइव पे असाइनमेंट रखा हुआ तो मैं अपलोड कर दूँ, कोई लिंक दे दूँ, वीडियो बनाई हुई कोई फाइल अपलोड कर दूँ, या डॉक्यूमेंट बना दूँ। अगर मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पर बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर फाइल ओपन करूँगा, और फाइल ओपन करने के बाद मैं कहीं से इसको ड्रैग कर सकता हूँ, बता सकता हूँ चैप्टर नंबर 1 या जो मैंने वर्ड में फाइल बनाई वहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। सही, अगर मैंने ऐसा नहीं किया हुआ और मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं इसको डॉक के थ्रू सबमिट करवा दूँ, तो मैं डॉक ओपन कर लूँगा यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने डॉक ओपन किया, अब हमारे पास इंटरफेस क्वेश्चन आ गया। अब मैंने आंसर लिखा, मैंने आंसर 1, इसमें लिखा मैंने कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यूज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रॉनिकली। एक ऐसा मैंने टेंटेटिव उसका जवाब दे दिया मैंने, और करने के बाद मैंने इसको क्या किया, मैंने सेव कर दिया। और सेव करने के बाद जो है आपके पास ऑल चेंजेस सेव इन द ड्राइव, ड्राइव के अंदर सेव हो गया, मेरी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है ये। और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं टर्न इन कर दूंगा, टर्न इन के माने सबमिट करवाऊंगा उसको। जैसे ही मैंने इसको टर्न इन किया,
ओके तो अब आपके पास टर्न इन मैंने किया तो ये आपके पास मैसेज यहाँ पे चला गया यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास दोनों आपके असाइनमेंट्स यहाँ पे चले गए और ये टीचर को पहुँच गए, सही है। अब मैं ये चाह ही रहा हूँ कि मैं और चीज़ें देखना चाहता हूँ, इसको बैक करूँगा। मैं क्लास के अंदर आ गया हूँ, क्लास के अंदर भी मैं देख सकता हूँ कोई क्लास में मसला है, किसी को क्या कुछ है देख सकता हूँ, क्लास वर्क के अंदर देख सकता हूँ मैं लोगों को कि क्या है, किस किसने जमा करा दी है, क्या कुछ है, क्या कमेंट्स हैं, स्ट्रीम में मैं देख सकता हूँ, सही है। तो यहाँ तक जो है आपका एक पार्ट है स्टूडेंट्स का जिसके थ्रू क्लासेस अटेंड करेंगे और आपको रेगुलरली जो है आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर लेट्स से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है आपको समझना ज़रूरी है, देन वी विल अरेंज ए स्काइप सेशन, हम वो कर सकते हैं या व्हाट्सएप सेशन हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।